So, what's in my thali today? Let's see. First of all, thank you so much, friends. जो मामा ने अपनी विटेलिगो की स्टोरी शेयर की, वो जो व्हाइट डार्क हो जाते हैं ना, उनकी स्टोरी शेयर की, किस तरह से प्यार ने उन्हें हील किया. थैंक यू सो मच, उसको आप लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि मम्मी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई थी. इतने अच्छे कमेंट्स लिखे आप लोगों ने, रियली थैंक्स. एंड आज हम बात करते हैं खाना वेस्ट करने की. आप में से कौन कौन ऐसा है जो रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लाने में शर्माता है? बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो एकदम थोड़ी सी चीज बची होती है, ज्यादा चीज नहीं बची होती है. तो हमें समझ में नहीं आता है कि अब इतनी सी चीज ले जाएं. सपोज एक कटोरी दाल बच गई तो समझ नहीं आता अब इतनी सी चीज लेके जाएं नहीं जाएं, क्या बोले उसको कि इतना जो है वो पैक कर दो, पार्सल कर दो, कैसा लगेगा. या सपोज रोटी बच गई है, एक तंदूरी रोटी मंगवाई आप लोगों ने, एक बच गई. या राइस थोड़े से बच गए तो लगता है ना कि अरे कैसे, मतलब छोड़ देते हैं, चलिए जाने दीजिए, अब इतना सा क्या करवाएंगे. ऐसा होता है कई बार. लेकिन आसपास की सिचुएशन देखते हुए मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहती कि जब कभी भी बाहर जाते हैं और देखते हैं बहुत सी सिचुएशंस, हम रोड साइड्स पे देखते हैं, मंदिरों के बाहर देखते हैं, बहुत लोग जो बेचारे जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो सिचुएशन देखते हैं. वो सब देखते हुए मैंने डिसाइड किया और मैं करती भी हूँ ऐसा कि मैं इतना भी बचा होगा ना तो उसे पैक करा के ले आऊंगी वापस. क्यों क्यों ले आऊंगी? क्योंकि वो तो वैसे भी उसे इतना होगा इतना होगा इतना होगा डस्टबिन में ही डालने वाले हैं. कई बार तो सैलेड की पूरी पूरी प्लेट भी बच जाती है तो वो तो डस्टबिन में ही डालने वाले हैं. तो हम थोड़ा भी बचेगा तो ले आएंगे, भले वो हम रास्ते में किसी को दे दें, भले वो हमारी अगर खुद खा ले उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर खाना चाहे गर्म करके दोबारा, अच्छी चीज है तो. और चाहे तो कोई अगर हमारे यहाँ हेल्प वगैरह है वो ले जाना चाहे तो ले जाए, लेकिन किसी तरह से यूज हो जाए वो चीज. तो ये मैंने डिसाइड किया और मैं हमेशा करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ अगर इतने से राइस, इतना सा दाल, इतना सा कुछ बचा है उसे पैक कराने में. तो एक टिप दूंगी आपको फ्रेंड्स कि कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाए, कई बार नए रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि कितना पोर्शन आएगा. तो पहली चीज, हमारा जो वेट स्टाफ होता है वहां पे, जो वेटर होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये पोर्शन कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता दें. सपोज नॉन वेज है तो आप पूछ सकते हैं कितने पीसेस होंगे, वेज है तो भी पूछ सकते हैं, कोफ्ते वगैरह है या पनीर है कितने अप्रोक्सीमेट पीसेस है, बिल्कुल मत शर्माइए, वो बताएंगे आपको. तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितनी और चीजें मंगवानी चाहिए. कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजें मंगवा लेते हैं और फिर सब थोड़ी 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 बच जाती है. सो इट्स बेटर आई विल से कि हमारे पेट के लिए भी अच्छा है कि हम एक चीज मंगवाएं, अगर हमारी हो गई तो ठीक है, उसे खत्म हो जाए या लगे कि चलो ठीक है तो लगे होने वाली है तो दूसरी मंगवाएं, इकट्ठी सब ना मंगवा लें. एंड अगर जितना हम सिंपल फूड बाहर जाके खाएंगे, मतलब बहुत सारे खाने की चीजें मिक्स नहीं करेंगे, उतना ही हमारे स्टमक के लिए भी अच्छा रहता है. तो चलिए हम सब इस चीज को फॉलो करते हैं. और आप में से जो ऑलरेडी फॉलो करते हो प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. सारे कॉमेंट्स का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, ऐसे पास पास करके ना सारे पढ़ लेती हूँ. चलिए तो हो गया मेरा व्याख्यान, अब देखते हैं मेरी थाली. आज मेरी थाली में है कॉमेडी, मतलब आज बड़ी कॉमेडी हो गई. हमारी नई कुक आई है, बड़ा टेस्टी खाना वैसे तो बनाती हैं. हमने उनसे बोला बैगन का भरता बना दीजिए, उन्होंने मटर डाल के उन्होंने बना दिया बैगन का चोखा मटर डाल के, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है. तो चलिए आज उनका वर्जन ऑफ बैगन का भरता हम खाएंगे. साथ में ये छोटी छोटी भाकड़ी हैं, सुबह नाश्ते में बनी थी मेथी की रोटी पराठा जो भी कह लीजिए, तो ये है साथ में, और साथ में दही और मूली. तो ये हो गया मेरा प्रोटीन और ये हो गया मेरा फाइबर, मिनरल्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ मिक्स सैलेड. ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा हैप्पी हेल्दी लंच. आप भी इंजॉय कीजिए अपना हैप्पी हेल्दी लंच.